तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट चीज बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग A52s में कल ही अपडेट आया था 1UI 6.1 का। उसके अंदर सबका कहना था कि AI के फीचर मिलेंगे अपडेट होने के बाद, बट AI का कोई भी फीचर इसमें अभी तक नहीं मिला है। जब मैंने इसको यूज करते हुए, मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, कोई भी AI का फीचर नहीं मिला है। या फिर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इसमें फीचर्स AI के जो मिलने थे जो नहीं मिले, और कौन सा एक जो AI का फीचर है जो मुझे लगता है सिर्फ मिला है, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मेरे सैमसंग गैलेक्सी में या फिर आपके जो भी A52s है, आपके पास भी 1UI 6.1 का अपडेट आ गया होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके, यहाँ पर आप देखेंगे मैं लास्ट अपडेट 1UI 6.1 का अपडेट यहाँ पर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि बहुत सारे नए नए फीचर्स उसमें एड ऑन होने वाले हैं, बट वहाँ कुछ भी नया फीचर नहीं दिख रहा है यार। मतलब AI से रिलेटेड तो कोई भी नया नहीं फीचर मिला। जैसे कॉपी एंड पेस्ट वन पिक्चर टू अनदर वाला, ये भी वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको लाइव जैसे दिखाऊं, मैंने कल भी दिखाया था, जैसे मेरी ये फोटो है, मुझे कहीं मूव ऑन करनी है, तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं, मैं इसको कॉपी यहाँ पर क्लिक भी करके रख रहा हूँ ना, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना मूव ऑन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना मैं कॉपी पेस्ट कर पा रहा हूँ, ना इसमें रिमबर्समेंट का भी वायर जो रिवॉर्ड उसका ऑप्शन था ना, रिमबर्समेंट का उसका ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आया। आप देख रहे हैं AI से रिलेटेड कोई भी फीचर इसमें नहीं आया यार। जैसा कि उन्होंने लिखा था कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पर नहीं दिया गया। उसके अलावा भी उसमें बहुत और वो दिखे थे, क्लिपिंग को आप एड ऑन कर सकते हैं, या कोई वीडियो को आप चला रहे हो तो उसको आप स्लो कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया। मतलब कि AI के फीचर जो बोले गए थे सैमसंग 1UI 6.1 में आपको A52s में मिल जाएंगे, पर वो नहीं मिल रहे। और सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन भी जो था कि आपको थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखना है और सर्कल टू टच में आ जाएगा, पर ना ही वो सर्कल टू टच में भी चल रहा है। मतलब मेरे सैमसंग गैलेक्सी A52s में 1UI 6.1 में आपका AI का कोई भी फीचर वर्क नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही फीचर वर्क कर रहा है AI का, जो कि है कॉल से रिलेटेड, जिसके अंदर आप यहाँ पर कन्वर्ट कॉल कर पाएंगे। तो एक ही फीचर यहाँ पर वर्क करता हुआ मुझे दिखा है, और इसके अलावा कोई भी फीचर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपके मोबाइल में 1UI 6.1 में ये फीचर वर्क कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन दिया था, वो भी वर्क नहीं कर रहा। ट्रांसलेट फोन कॉल इन रियल विल, ये चल रहा है, एक्चुअल में कैसा वर्क करेगा अभी वो नहीं पता। गेट राइटिंग हेल्प विद राइटिंग असिस्टेंट, ये भी नहीं चल रहा। ट्रांसलेटिंग भी नहीं चल रहा है, कन्वर्सेशन भी चल रहा, ऑटो फॉर्मेट नॉट टेक्स्ट भी नहीं चल रहा, समराइज भी नहीं चल रहा है, समराइज ट्रांसलेट वेब पेज वो भी नहीं चल रहा, री इमेजिंग पिक्चर विद फोटो एडिटर वो भी नहीं चल रहा है, जनरेट योर ऑन वॉलपेपर ये भी नहीं चल रहा है, एक्सटेंड योर बैटरी इन लाइफ ये वाला फीचर इसमें जरूर एड ऑन किया गया है, कस्टमाइज योर अलार्म ये भी चल रहा है, इंस्टेंट सी वीडियो इन स्लो मोड ये भी नहीं चल रहा है, मूव सब्जेक्ट फ्रॉम वन इमेज टू अनदर ये भी नहीं चल रहा है, कॉपी एंड पेस्ट वाला ऑप्शन भी नहीं चल रहा है, स्पीड अप स्लो डाउन ये भी नहीं चल रहा है, और बस एडिट मूवी ऑन क्लिप, दो चार फीचर ही इसमें 1UI 6.1 में वर्क कर रहे हैं, और एक्चुअल में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है भाई। AI के फीचर्स जो सोचे थे वो नहीं वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात देखा जाए, अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ, जैसे उन्होंने बोला था कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स में जाके देखेंगे, तो यहाँ पर अभी तक वो 1UI 6.0 ही दिखा रहा है, वो 1UI 6.1 यहाँ पर अपडेट ले ही नहीं रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1UI 6.1 के फीचर आ जाने चाहिए थे, बट वो नहीं दिखा रहा है। क्या आपके साथ भी यही बग्स हो रहे हैं, या आपके साथ भी आपका AI 1UI 6.1 में AI फीचर नहीं चल रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए यही था यार, आगे देखेंगे, अगर चलते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।